आज स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। देखिए उनका जो जन्म 1884 और देहांत आज ही के दिन यानी 28 फरवरी 1963 को हुआ था। उनको अन्य नाम राजेन बाबू के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनकी जन्मभूमि जीरा देव बिहार में और मृत्यु 28 फरवरी 1963, मृत्यु स्थान सदाकत आश्रम पटना। उनके अभिभावक थे महादेव सहाय और उनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी, नागरिकता भारती। उनकी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ ना, गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस, से लेकर 13 मई 1962। और ये अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का, और उन्होंने 12 वर्ष कार्यकाल किया रहा उनका। शिक्षा उनकी स्नातक बीएल कानून में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट, और विद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और उनको भारत रत्न भी मिला। और राजेंद्र प्रसाद बाबू एक थे जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए थे। ये तो था उनका परिचय। अंग्रेजी में बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। एक बार उनका भाषण तैयार किया गया, तो भाषण तैयार किया गया एन वक्त पर, भाषण वो खो गया, तो उनको जो है बड़ी समस्या थी। तो उन जिस जो जिन्होंने उनका भाषण लिखा था जिनसे खो गया था, उन सोचा तो बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वैसा ही भाषण सुना दिया। यानी कि कहने का अर्थ है कि वो एक बार जो भी चीज पढ़ लेते थे उनको कंठस्थ याद हो जाती। देखिए भारत के राष्ट्रपति बने तो कोई ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बन गए। राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है राष्ट्रपति रहे, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र राधाकृष्णन राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बहुत ही योग्य व्यक्ति बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक महान प्रकांड विद्वान और बहुत ही योग्य व्यक्ति, और सादा जीवन जीते थे। राष्ट्रपति पद पर रहते थे लेकिन वस्त्र हमेशा सादा पहनते थे। देखिए पुराने जितने भी हमारे महापुरुष हुए, नेता हुए, उनका था सादा जीवन, उच्च विचार। और वैसे भी ये पुरानी बात नहीं, आज की भी जो ज्यादा फैशन करेगा उसका सारा दिमाग फैशन में ही चला जाएगा। आप सामान्य से अगर अलग हटने की, आपने आपने आसपास बहुत से अपने दोस्तों मित्रों को सबको देखा हो, जो सामान्य हटके ज्यादा मेकअप करते, ज्यादा सजते धजते हैं, वो जीवन में फिर विशेष कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए महान पुरुष हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को प्राथमिकता देते हैं। सादा भोजन, सादा वस्त्र, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच बहुत उच्च कोट की होती है, तभी वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय। कम से कम इन महापुरुषों को हम लोग उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उनको याद करना चाहिए, जिससे कि हम उनके विचार हमारे हम लोगों के बीच में बने रहे, उनसे कुछ हम लोग शिक्षा लेते।